आज का मैच मुइन भाई आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने 42 रन से जीता, जबकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर टकर, टकर के नाम टकर है मगर टुक नहीं करते वो, अच्छा खेला टकर, नो डाउट मैच तो बहुत अच्छा हुआ, इंटेंट नजर आ रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे, ऑल्दो के ऑस्ट्रेलिया वाज आउट क्लास बिकॉज स्टॉइनिस ने और जिस तरह कप्तान चल पड़ा कप्तान बिल्कुल, और इवन शुरू में मिचेल मार्श ने जो ओपनिंग की थी, आई थिंक वो एक नजर आ रहा था ऑस्ट्रेलिया का इंटेंट, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन यू नो एग्जैक्टली, वो नजर आ रहा था कि हाँ वो अब इन होना चाहते हैं, और उनकी डू एंड डाई सिचुएशन भी है, और वो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, और एक अच्छे मार्जिन से रहा है, तो यहाँ पे उनको नेट की फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि इस वाले स्पेशली पूल के अंदर जहाँ बड़ी टीम है वहाँ एट दी एंड रन रेट का जरूर फर्क पड़ेगा, और बारिश ने जिस तरह डिस्टर्ब किया ये टूर्नामेंट यू नो, तो ये यहाँ पे आज बहुत अच्छा मैच हुआ, मजे की बात या अच्छी बात, मजे बहुत अच्छी बात मैं ये कहूंगा, दिलचस्प बात जो आयरलैंड का इंटेंट था वो नजर आया कि वो कोशिश की, उन्होंने उनकी विकेटें कॉन्स्टेंटली गिरती रही हैं काफी, लेकिन उन्होंने कोशिश की, बाउंड्रीज लेते रहे, वो जो मेंटेन करना था अपना एवरेज उसको कोशिश कर रहे थे कि उसके करीब करीब रहे, वो जो कुछ कर रहे थे जीतने के लिए कर रहे थे, इमाद की तरफ आएंगे, इमाद आपको क्या लगता है आयरलैंड में इंटेंट थी क्या, कैपेबिलिटीज की कमी थी या कोई और चीज कमी रह गई उनके पास? देखिए उनके उनके पास प्लेयर्स तो अच्छे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं वो नहीं है, और टाइम भी इतना नहीं हुआ ना, कल भी मैंने आपको कहा था कि दिस इज द राइट वे टू प्ले T20 क्रिकेट, वेदर आपकी 5 विकेटें गिरी हैं, वेदर आपकी कोई विकेट नहीं गिरी, आप रन रेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, सो 36/5 थे वो, और जिस तरह उसने बारी की है उसको काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह मैं जानता भी हूँ, खैर लेकिन इनके एक दो प्लेयर ऐसे थे कि अगर ऊपर से इसका साथ देते तो ये बहुत क्लोज मैच हो जाता, और ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ और प्रॉपर बॉलिंग के साथ खेला था, और चारों तरफ उसने शॉट मारे, उसकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है, स्पिन पे मुझे लगा थोड़ा सा वो फंस रहा है, हाँ अगर टेक्टर होता है इसके साथ वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आयरलैंड एक एज ए नेशन आयरलैंड बहुत प्रोग्रेस कर रही है, और आयरलैंड क्रिकेट बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेते हैं, मैं आयरलैंड में क्लब क्रिकेट भी खेला हूँ, उनकी क्लब क्रिकेट भी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी नेशनल लेवल की क्रिकेट अब बहुत अच्छी हुई है। अमर आपका तो माशाल्लाह से आज के मैच पे कोई ध्यान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं यही डरी थी कि इसके बाद आप मेरे से ना कुछ पूछ लें। मैं नहीं आपसे पूछूंगा, मगर ये जरूर पूछूंगा फिंच की जगह अगर ग्रीन आ जाए टीम में तो कैसा रहेगा? मुझे दोनों का ही नहीं पता, आप इसके बारे में कोई जरूरी भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता मुइन भाई, लेकिन आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में कोई गुंजाइश है ग्रीन की? बहुत बड़े बैट्समैन हैं जो बैठे हुए हैं बेंच पे, तो बेंच पे ग्रीन बैठा हुआ है इतना बड़ा प्लेयर, तो टीम में कितने बड़े प्लेयर? मेरा ख्याल है ब्लू को ज्यादा ग्रीन को अभी जरूरत नहीं पड़ती, मेरा ख्याल उसकी जरूरत नहीं, ग्रीन नहीं खेला। अच्छा सारे कप्तान कैप्टन चल पड़े हैं, फिंच ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, हमारा कैप्टन चल नहीं रहा, दौड़ रहा है वापस आने के लिए पाकिस्तान की टीम की तरफ, यहाँ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, चलने दिया नहीं जा रहा मार जी, वो तो कप्तान की बात कर रहे हैं ना आप, अमर देख रही कप्तान चल पड़े, जी जी फॉलो कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, गई नहीं आप? नहीं गई, जाना चाहती हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर काम ना कर रही होती तो डेफिनेटली जाती, मजबूरियां इतनी हैं क्या करें, बिल्कुल इनकलाब तो आते जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा मुइन भाई, पाकिस्तान के अब चांसेस बहुत ही मादून से हैं, लेकिन बारिश की दुआएं भी चल रही हैं, इंडिया के हारने की दुआएं भी चल रही हैं, कैसा लगता है कोई चांस कहीं से उम्मीद नजर आती, बांधने वाली सिचुएशन है? उम्मीद तो है, उम्मीद अगर 1% भी उम्मीद टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपको नजर आए तो आप नेचुरली पॉजिटिव होते हैं, पाकिस्तान को दोनों मैच ऑफकोर्स जीत रहे हैं बिल्कुल, जो उनके रिमेनिंग मैचेस एक बांग्लादेश और एक साउथ अफ्रीका से, वेर एज इंडिया को यहाँ पे मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से मैच हारना पड़ेगा, अगर वो हारती है देन पाकिस्तान का चांस हो सकता है, लेकिन अगेन प्रोवाइडेड कि रन रेट पाकिस्तान बेटर कर सके, वो बेटर कर सके या तो साउथ अफ्रीका से बेटर कर ले या इंडिया से बेटर कर सके, तो रन रेट का थोड़ा सा अब इशू आएगा उनको इस इन मैचेस के अंदर, दो जीतने के बाद भी और इंडिया हारता है तब,